हेलो दोस्तों, तो हम लोग नया वीडियो आए हैं। प्लीज पहले सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप कॉन्टेस्ट और वीडियो चाहिए हो। तो इसमें है मिनिमम ऑपरेशन टू एक्सीड थ्रेशोल्ड वैल्यू टू। इसमें क्या है, हम लोग को एक एरे दी गई है और के दिया गया है। हम लोग को क्या करना है, छोटे दो छोटे एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है। और उसका फिर ये वाला मिनिमम ऑफ एक्स वाई इंटू टू प्लस मैक्स एक्स वाई इसमें एरे में ऐड कर देना है, ठीक है। और हम लोग को निकालना है कि कितने हम ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं कि सारे एलिमेंट एरे से बड़े हो जाएं। तो चलिए समझते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो लॉजिक लगाएंगे वो ये लॉजिक है, ठीक है। एक मिनट, तो इसमें हमारा लॉजिक ये है कि सपोज करो हमारे पास दो है, 1 2 3 4 5, तो ठीक है। और हमारा के है मान लो हम लोग को सब एलिमेंट चाहिए। किससे हम लोग को सब एलिमेंट चाहिए, सपोज करो 4 से बड़े। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन सारे एलिमेंट्स को प्रियोरिटी क्यू में डाल देंगे। प्रियोरिटी क्यू क्या होता है, उससे जब भी निकालते हैं तो मिनिमम एलिमेंट्स निकलते हैं, मिनिमम एलिमेंट निकलेंगे, मिनिमम प्रियोरिटी क्यू निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, पहले हम सारे एलिमेंट्स को प्रियोरिटी क्यू में डाल देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रियोरिटी क्यू में डाला और फिर हम लोग ने 1 और 2 प्रियोरिटी क्यू से निकाल दिया। और इसमें क्या किया, हम लोग ने मिनिमम ऑफ एक्स ऑफ वाई इंटू टू प्लस मैक्स ऑफ एक्स ऑफ वाई, ये हम लोग ने प्रियोरिटी क्यू में एंटर कर दिया। इसमें मिनिमम क्या आएगा, 1 इंटू 2 प्लस मैक्स 2, तो 4 हम लोग एंटर कर देंगे प्रियोरिटी क्यू में, ठीक है। तो हम लोग ने क्या एंटर किया प्रियोरिटी क्यू में, 1 और 2 निकाल दिया, अभी हो गया 4 3 4 5, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर प्रियोरिटी क्यू से हम लोग दो एलिमेंट निकालेंगे। ये समझते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास, सॉरी एक मिनट, अब हमारे पास बचा है क्या, 4 3 4 5, ठीक है। और के है 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दो एलिमेंट फिर निकालेंगे प्रायोरिटी क्यू से, और इसमें फिर हम लोग 2 इंटू मिनिमम जो हुआ 3 प्लस 4, ये हम लोग प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। कितना हो गया, 6 10, ये हो गया 10, ठीक है। फिर हम लोग इसको ऐड कर देंगे प्रायोरिटी क्यू में, 4 5 और 10। अब हम लोग चेक करेंगे कि प्रायोरिटी क्यू में मिनिमम जो है वो 4 से बड़ा है या इक्वल है, वो हाँ है। अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने ऑपरेशंस होंगे, 2। तो और हम ऑपरेशंस जो है उसकी एक काउंट बनाते चलेंगे। चलो अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ कि कोड मैंने कैसे किया है जो एक्सेप्ट हो गया है। कोड है ये, देखिए मैंने क्या किया, एक्सेप्ट हो गया ये वाला कोड। इसमें प्रियोरिटी क्यू बनाया है लॉन्ग का। ये मैंने लॉन्ग का इसलिए बनाया है क्योंकि टेस्ट केस फेल हो रहे थे, क्योंकि हम लोग 2 इंट को ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग ने सारे एरे प्रियोरिटी क्यू में डाल दिए। फिर हमने ऑपरेशन बनाया और हमने कंडीशन क्या लगाई कि प्रियोरिटी क्यू जो है उसका जो मिनिमम एलिमेंट है क्या वो के से छोटा है। अगर वो प्रियोरिटी क्यू का एलिमेंट जो है के से अगर छोटा है तब तक चलना चाहिए, और प्रियोरिटी क्यू का साइज जो है 2 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि हम लोग क्या है, दो स्मॉलेस्ट इंटीजर हम लोग को लेने हैं, और इफ नम कंटेन्स, और ये हम ऑपरेशन तभी लगा सकते हैं जब दो एलिमेंट्स हो, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, फिर प्रियोरिटी क्यू से दो एलिमेंट को निकाला, उसमें से न्यू सम से मैथ डॉट मिनी एक कर दिया और उसको प्रियोरिटी क्यू में डाल दिया, और ये ऑपरेशन प्लस प्लस करते चले गए। तो जब तक प्रियोरिटी क्यू का कोई भी एलिमेंट के से छोटा होगा तो ये चलता रहेगा और उसका साइज 2 होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन करते हैं कॉन्टेस्ट का।